हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी रिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाईजू झारखंड T20 की, जो कि मैच हो गया है रांची राइडर्स वर्सेस धनबाद डायनामोस के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करूँ इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएंगी, ऐसे पहले मैच से लेकर फाइनल मैच तक पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ से मिल जाएंगे ECS T10 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको बुखातिर T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ से एमिरेट्स D20 के वीडियोज मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले, तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही में टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी रिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो यह मैच दोपहर में 1 बजे JSC इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस पिच है, और अच्छी खासी मदद यहाँ से बॉलर्स को मिलती है, तो बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हुए टीम बनाएंगे। बाकी एवरेज स्कोर की बात करें तो 130 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। ये स्कोर कभी कभी बड़े स्कोर भी हो सकते हैं, इवन 180 प्लस भी स्कोर गया हुआ है, तो स्कोर बड़े भी बन सकते हैं। बाकी एवरेज 130 के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करो तो 10 मैचेस खेले गए जहाँ से 8 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है, सिर्फ एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, एक मैच टाई रही। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले चेजिंग करना पसंद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे टीम रांची की, तो एक मजबूत टीम है इस टूर्नामेंट की, पॉइंट टेबल में सेकंड पोजीशन पर है, और एक तौर से यहाँ से बैलेंस टीम है बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों ही से। ओपनिंग की बात करो तो यहाँ से अरविंद कुमार और अर्णव सिन्हा दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं, और दोनों ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले। अभी तक का उनका परफॉर्मेंस दोनों का ही अच्छा रहा है, तो दोनों को एज अ प्लेयर हम लोग लेके जाएंगे। रिस्की तौर पर यहाँ से इनको पिक करना है आपको। रोबिन मेज जो कि काफ़ी तगड़ा मारते हैं, हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर्स है, और कभी भी इनकी तरफ से यहाँ से 50-60 रन का परफॉर्मेंस आ सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ कल की मैच के अंदर सरनदीप सिंह के बारे में बताया था, इन्होंने कल 67 रन जैसे बनाए, वैसे इनकी तरफ से भी बड़ा परफॉर्मेंस आ सकता है रोबिन मेज की तरफ से। तो इनको थोड़ा सा डिफरेंशियल वे में जरूर ट्राई करना है, प्लेयर्स काफ़ी तगड़ा है। अगर इनके अगर थोड़ा सा ही यहाँ से खेल जाता है, 8-10 ओवर अगर खेल लेता है, तो यहाँ से इनकी तरफ से 60-70 रन वाला भी परफॉर्मेंस आ सकता है है। तो ऐसे रोमिन मिंच को डिफरेंशियल वे में ट्राई करना है आपको। बाकी आयुष कुमार ने लास्ट मैच के अंदर 52 रन की पारी खेली, तो आई थिंक शायद आयुष कुमार और रोमिन मिंच दोनों में से किसी एक को लेने का हुआ तो मैं ऐसे रोमिन मिंच के साथ जाऊंगा, क्योंकि यह बंदा जो है यहां से विकेट कीपिंग भी करवाता है और साथ में यहां से बैटिंग से भी वन डाउन वगैरह में आ जाता है। तो ऐसे मेरी चॉइस रोमिन मिंच रहेगी, लेकिन आयुष कुमार भी अच्छी पिक है, लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम लोग उनको लेके जा सकते हैं। बात करें यहां से मोहम्मद कौनेन कुरेशी, तो पिछली 2 मैच की बात करो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहा है, बाकी पहली मैच के अंदर वो वन डाउन खेले थे, तो पिछली 2 मैच के अंदर थोड़े से नीचे आ रहे, तो बैटिंग से इतना कुछ खास नहीं करे। पहली दोनों मैच के अंदर विकेट मिला, लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन ये बंदा जो है आगे कंटिन्यूसली 4 ओवर्स पूरी करवा सकता है। इवन बैटिंग से भी उनको जब भी मौका मिलेगा तब अच्छा स्कोर भी इनकी तरफ से आ सकता है। तो इनको भी थोड़ा सा डिफरेंशियल वे में जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से एडवांटेज देने की क्षमता है इनके पास, तो इनको जरूर ट्राई कर सकते हो हम लोग। लेकिन थोड़े से रिस्की रहेंगे, स्मॉल लीग के अंदर लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, तो देख लेते हैं अगर कोई अच्छी चॉइस हमें तो हम लोग कुरेशी के साथ जा सकते हैं। बाकी हर्षित राणा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन ज़्यादातर जनता इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके आ सकती है, तो हमारे लिए भी एक अच्छी पिक बनेंगे। हिमांशु एस ओके पिक है, इनको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है आपको। सचिन यादव, तो ये भाई साहब के बारे में मैंने पहले मैच के वीडियो में भी बताया था, लास्ट मैच के वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये भाई साहब जो है बड़े लेवल के प्लेयर है भाई। इसकी बॉलिंग काफ़ी इंप्रेस किया इनके, जब लाइव हम देखते थे काफ़ी इंप्रेस किया सचिन यादव ने, और काफ़ी अच्छा गेंदबाज है, और आगे ये एक उभरता सितारा बनने वाला है यहाँ से झारखंड की तरफ से, ये नाम आगे आपको सुनने मिलने वाला है आगे, हो सकता है IPL में या फिर इंडिया वगैरह में भी, क्योंकि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर भी लेता है। अभी तक का 3 ही मैच के अंदर विकेट्स निकालिए, और बैटिंग से भी एक ही बार मौका मिला जहाँ पर 24 रन किए, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे सचिन यादव। इवन ये बंदे को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ओम सिंह थोड़े से ओके पिक रहेंगे, तो इनको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है। अमन KR सिंह की बात करो तो 6 मैच के अंदर 6 विकेट्स है, लेकिन अभी तक इनको दोनों ही मैच के अंदर विकेट नहीं मिली,
लेकिन ओवर्स पूरी करवा रहे, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। हालांकि स्मॉल लीग के लिए थोड़े बहुत रिस्की रह सकते हैं। बाकी अभिषेक यादव वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहे, 29 मैच के अंदर 38 विकेट है और अभी तक 3 मैच खेले, जहाँ से 2 मैच के अंदर उनको विकेट्स मिली हुई है और वैसे भी प्लेयर बॉलर्स अच्छे हैं, तो इनको जरूर शामिल करिएगा। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करें तो यहाँ से हर्ष राणा और यहाँ से AK सिंह स्टार्ट करेंगे और डेथ ओवर्स में हर्ष राणा के साथ एश यादव आएंगे। तो हर्ष राणा तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इवन एश यादव यहाँ से डेथ ओवर्स वगैरह में भी गेंदबाजी के लिए आते हैं, तो ये भी हमारे लिए डेफिनेटली अच्छी पिक रहने वाली है। बाकी बेंच की बात की जाए तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहेगा क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। बात करें ऐसे धनबाद की, तो इनका जो बॉलिंग अटैक है, बॉलिंग अटैक काफ़ी तगड़ा है इनका और उनका जो मेन या से जो मजबूती बोलते हैं ना वो उनकी यही है बॉलिंग से, बॉलिंग डिपार्टमेंट। बात करें ओपनिंग की तो ओपनिंग में यहाँ से विशाल विकास विशाल और यहाँ से प्रकाश मुंडा ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किया। देखो प्रकाश मुंडा की बात करो तो पहली मैच में वो ओपनिंग आए थे और दूसरी मैच के अंदर वो 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और लास्ट मैच के एक बार फिर से ओपनिंग में आ गए। तो हो सके ये बैटिंग ऑर्डर कभी भी इन लोग का ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ी बहुत ऐसे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती है, लेकिन ऊपर से खेलेंगे तो ऐसे प्रकाश मुंडा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इवन विकास विशाल तो है ही, ये तो डेफिनेटली इनको तो लेके जाना है, बैटिंग के साथ साथ ओवर्स भी करवा लेते हैं। बाकी विलफ्रेड बैंक बैटिंग सेक्शन से अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वन डाउन खेलते हो और अभी तक का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, तो इनको ट्राई कर सकते हो। श्रेष्ठ सागर, लास्ट मैच में मैंने इनके बारे में भी बताया था कि इस भाई साहब को आपको ट्रैक करना है, 27 रन किए इन्होंने और वैसे पिछले दोनों मैच के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने इनके बारे में बताया था कि आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, जहाँ पर श्रेष्ठ सागर ने श्रेष्ठ स्कोर किया, 27 रन किए। बाकी अंकित कुमार ओके ओके पिक रहेंगे, अभी तक का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा तो फिर रिस्क लेने की जरूरत नहीं इनके ऊपर। प्रेम कुमार की लास्ट मैच के अंदर बैटिंग नहीं आई, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे एक कर लास्ट मैच थोड़ी सी कंफ्यूजन मेरे से भी हो रही है, नहीं कोई बात नहीं, खेले थे लास्ट मैच लेकिन यहाँ से बैटिंग नंबर देने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, 6ठे नंबर पर बैटिंग की और इतना कुछ खास किया नहीं है क्योंकि बैटिंग उनकी आई ही नहीं। बाकी युवराज सिंह युवराज कुमार की बात करें तो युवराज कुमार बैटिंग के साथ साथ यहाँ से ओवर्स भी करवा लेते हैं, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट्स भी निकाले थे उन्होंने, तो ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए। देखो अभी बॉलिंग अटैक की बात करो, बॉलिंग में सारे बॉलर्स आपके लिए अच्छा करने वाले। देखो ये चार ओवर्स डालते हुए 2 विकेट निकाले युवराज कुमार ने। विवेकानंद तिवारी की बात करो तो इन्होंने भी 3 विकेट निकाले लास्ट मैच के अंदर, प्रतीक रंजन ने 3 विकेट निकाले और यहाँ से अमित कुमार ने 1 विकेट निकाला। अभी बात करें जैसे रौनक कुमार के ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, 41 मैच के अंदर 55 विकेट है, तो इनकी तरफ से भी बड़ा परफॉर्मेंस कभी भी आ सकता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कत होने वाली है, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होने वाली है। देखो आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सको तो ग्रांटिक वगैरह में आप रौनक कुमार को जरूर ट्राई करिएगा, शायद स्मॉल लीग के लिए हम लोग उनको लेके ना जाए, लेकिन प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है तो आप इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स में विवेकानंद तिवारी के साथ ऐसे युवराज कुमार स्टार्ट करेंगे और डेथ ओवर्स में वीर तिवारी और जैसे पी रंजन डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे। बाकी बेंच की बात करो तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो टेलीग्राम से आप जुड़े रहेगा। तो अभी देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को हम लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करो तो मैं अरविंद कुमार के साथ जा रहा हूँ। देखो आप चाहे तो ऐसे आर मिंज के ऊपर पूरा रिस्क ले सकते हो, इवन इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, कभी भी आपको बड़ा एडवांटेज दे सकता है। इवन श्रेष्ठ सागर भी एक अच्छी चॉइस है। बैटिंग सेक्शन से वी विशाल या से ए सिन्हा और या से ए यादव को मैंने पिक किया है और डब्ल्यू बैंक को मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो इनको लेके जा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ से लेना है ऑलराउंडर सेक्शन में एच राणा, वाई कुमार और ए कुमार तो यही, लेकिन मैंने यहाँ से एम कुमार कुरेशी को लिया है जो कि बैटिंग के साथ साथ ओवर्स भी करवा लेते हैं, तो इसके लिए मैंने इनके ऊपर भरोसा करके इनको लिया। आप अगर सेफ जाना चाह रहे हो तो यहाँ से डब्ल्यू बैंक को लेने का। बॉलिंग सेक्शन से पी रंजन है, एस यादव और यहाँ से वी तिवारी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। अगर थोड़े सा रिस्क अफोर्ड कर सको तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता दिए, कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी कैप्टन की बात करो तो एच राणा हमारे कैप्टन रहेंगे और वाइस कैप्टन यहाँ से एस यादव हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले, लेकिन याद रही ये डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह जो है आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है। तो बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग कवर करें, इसके साथ साथ यहाँ से ECS T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ से
बुखातिर T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ से एमिरेट्स D20 के वीडियोज मिल जाएंगे। सारे अच्छे मैचेस के वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, तो फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करके अच्छी सी टीम बनाते रहो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।